हर कोई बिजनेस करना चाहता है और उससे लाखों या करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर सभी के सामने एक ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि बिजनेस आइडिया तो पता है लेकिन बिजनेस किया कैसे जाए। क्योंकि कोई सा भी बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन जब उस बिजनेस को मार्केट में लाया जाता है तो कहीं वह बिजनेस ठप नहीं हो जाए, उसके डर की वजह से कोई भी बिजनेस नहीं कर पाता। क्योंकि बिजनेस चाहे कितना भी छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो, कॉम्पिटिशन तो देखने को जरूर मिलता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आपका एक नई और नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें, इसे मार्केट में कैसे लाएं। तो आपको एक बेहतर बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे नंबर वन, इंटरेस्ट। बेसिकली इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कोई भी बिजनेस ना शुरू कर सकते हैं, ना आप कोई भी काम भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। वो कैसे? ये स्टेप आपके बिजनेस की एक ऐसी सीढ़ी है कि जब तक आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप अपने बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक आप किसी काम को करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, तब तक आप उस काम को अपने मन से नहीं करते हो। तो किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट देखना होगा कि ये काम मुझे अच्छा लगता है या नहीं, यानी आपका इस बिजनेस में इंटरेस्ट है या नहीं। तो आपको वही बिजनेस चूज करना होगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है, यानी जो बिजनेस आप करना चाहते हो। आपको उस बिजनेस में दिन या रात का पता ही नहीं चले, आप उस काम को करने में कभी बोर ना हो। क्योंकि जब आप अपने किसी काम को मन से करते हो ना, और आप उस काम को करने में खुश रहते हो, तभी आप उस बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाते हो। नंबर दो, बेस्ट बिजनेस आइडिया। अब आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार बेस्ट बिजनेस आइडिया चूज कर लेना है। अब जिस बिजनेस को आपने करने के बारे में सोचा है, उस बिजनेस के बारे में आपको बेहद अच्छी तरह से नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि आपको एक बेहतर बिजनेस के लिए उसके बारे में A to Z नॉलेज होनी अति आवश्यक है। आप उस बिजनेस के बारे में जानने के लिए इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, जैसे गूगल पे पता कर सकते हो, यूट्यूब पे पता कर सकते हो कि इस बिजनेस की मार्केटिंग डिमांड कितनी है, जो प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हो उसे कोई खरीदता है या नहीं, आपके शहर में उस बिजनेस का कितना कॉम्पिटिशन है। जब आप अपने बिजनेस के बारे में सारी नॉलेज पता कर लेते हो, तो अब अगला पॉइंट आता है बिजनेस मोड्स का। जब से कोरोना आया तब से कैसा भी बिजनेस क्यों ना हो, उस बिजनेस को ऑनलाइन करना बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन फिर भी यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन मार्केट में लाना पसंद करते हो या फिर अपने बिजनेस को ऑफलाइन मार्केट में लाना पसंद करते हो। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ ऑफलाइन बिजनेस के बारे में। तो ऑफलाइन बिजनेस करने के लिए आपको अपने इंटरेस्ट अनुसार अच्छा बिजनेस आइडिया मिल जाता है, तो अब आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है गवर्नमेंट द्वारा लीगल परमिशन एंड लाइसेंस की, क्योंकि किसी बिजनेस को करने के लिए ये बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर फोर्थ, बेस्ट प्लेस। जब आप गवर्नमेंट द्वारा लीगल परमिट्स ले लेते हैं, तो अब आपको तलाश होती है एक बेस्ट प्लेस की जहाँ आप अपने बिजनेस का सेटअप कर सकें, जिससे फ्यूचर में आपको कोई भी तकलीफ ना हो सके। अगर आपकी जगह किसी ऐसी जगह पर है जहां ट्रांसपोर्ट करने की कोई परेशानी ही ना हो, तो बेहद अच्छा होगा। लेकिन जब आप अपने बिजनेस के लिए जगह चूज करें, तो उससे पहले अपने बिजनेस का एक स्ट्रक्चर जरूर बना लें, क्योंकि आपको अंदाजा होना चाहिए कि मेरा बिजनेस सेटअप इतने मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, तभी आप जगह खरीदें या अपनी जगह को चूज करें। नंबर फिफ्थ, रजिस्ट्रेशन। अब आपको अपनी कंपनी के लिए एक स्पेशल सा नाम ढूंढना होगा जो अदर कंपनीज के कंपेयर में बहुत अलग दिखे। जब आपको एक स्पेशल नाम अपनी कंपनी के लिए मिल जाए, तो अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नंबर सिक्स, फंड। जब आप अपनी कंपनी के लिए सब कुछ प्लान कर लेते हैं, तो अब बात आती है पैसों की, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए पैसे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पैसों के बिना किसी काम को करना एकदम इम्पॉसिबल होता है। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, तो आपको कुछ इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है जो आपकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे। और तो नंबर सेवन, आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक टीम की ज़रूरत होगी, जिसमें कुछ इन्वेस्टर्स, अकाउंटर और मैनेजर वगैरह कुछ और भी लोग होंगे।
यह काम अकेले करना चाहते हो तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आप कुछ समय में फाइनेंशियल फ्री तो हो जाएंगे, लेकिन हर जगह पैसे मायने नहीं रखता है, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी में किसी टीम को नहीं बनाओगे तो आपको ये सारा काम खुद करना पड़ेगा, और जब आप ये खुद काम करोगे सारा तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में शांति ही नहीं होगी। तो अपनी लाइफ में फैमिली को टाइम देने के लिए और शांति से रहने के लिए आपको एक टीम ज़रूर बनानी चाहिए, जो आपके कंपनी में बहुत आपकी हेल्प करेगी आपकी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट नंबर 8, अपने बिजनेस को मार्केट में कैसे लाएं। मार्केट में कंपटीशन को देखते हुए जब अपने बिजनेस को मार्केट में लाने के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं डर तो ज़रूर लगता है, और ये डर लगना भी चाहिए, लेकिन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने बिजनेस को मार्केट में ला भी सकते हैं और बेहद अच्छा इनकम भी पा सकते हैं। तो नंबर 1, एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को भी पता चले, उसके लिए आपको शहर में जगह जगह पर बैनर लगाने होंगे, जिससे आपके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट होगा और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स भी आएंगे। नंबर 2, ऑफ़र। जब आपके बिजनेस के जरिए आपकी इनकम अच्छी खासी होने लगे तो आप अपने कस्टमर्स के लिए कुछ लकी ड्रॉ या कुछ ऑफर्स निकाल सकते हो, जिससे आपके पास कस्टमर्स की संख्या इंक्रीज होगी। तो आज बस इतना ही, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।